हेलो एवरीवन, गाड़ी की सर्विसिंग करवाने का टाइम बहुत नज़दीक आ गया क्योंकि इसने मुझे कई सारी प्रॉब्लम्स फेस हो रही हैं इस गाड़ी में। आपको मैं टोटल किलोमीटर ड्रिवन दिखा दूँ कि टोटल मेरी गाड़ी जो है कितनी ड्राइव हो चुकी है। अभी मेरी गाड़ी टोटल है 1202, देखिए 1202 किलोमीटर, एंड मुझे इसका अभी एवरेज आ रहा है 40.9 का एवरेज आ रहा है। ओके, तो ये है कंडीशन अभी टोटल किलोमीटर ड्रिवन की। और मुझे इस गाड़ी की सर्विसिंग क्यों करवानी पड़ रही है, क्योंकि इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं और उन प्रॉब्लम्स का नाम, मतलब उन प्रॉब्लम्स की लिस्ट मैंने अपनी कॉपी में बना के रखी कि मुझे क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। देखिए, प्रॉब्लम्स को नोटिस करने के लिए आपको अपनी गाड़ी को, अगर आप जिस दिन अपनी गाड़ी को सर्विस करवाने के लिए जा रहे हैं, तो ये मत सोचिए कि मैं सर्विस करवाने जा रहा हूँ तो मेरे को जो प्रॉब्लम्स फेस होंगी तो मैं उनको बता दूंगा। नहीं, उससे पहले आपको अपनी गाड़ी को प्रॉपर ड्राइव करना है। ड्राइव करना क्या, कैसे ड्राइव करना है आपको? 7 से 8 किलोमीटर अपनी गाड़ी को ड्राइव कीजिए, सिंगल भी ड्राइव कीजिए, सिंगल पर्सन, एंड रियर में भी किसी को बैठाइए पीछे। तो उससे क्या होता है, अगर आप रियर में गाड़ी को बैठा के चलेंगे तो क्या होता है, कुछ कुछ चीज़ें दब जाती हैं उसके वेट से। तो आपको अपनी गाड़ी को पहले सिंगल पर्सन ड्राइव करना है, फिर डबल पर्सन आपको अपनी गाड़ी को ड्राइव करना है। तो मैंने कुछ पॉइंट्स नोटिस किए हैं, देखिए मैंने इसमें लिखे हुए हैं, तो मुझे क्या क्या इसमें प्रॉब्लम्स फेस हुई हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे फर्स्ट मुझे प्रॉब्लम फेस हुई है फ्रंट सस्पेंशन की, यानी कि सस्पेंशन इसका क्या प्रॉब्लम कर रहा है कि जैसे थोड़े भी प्रॉब्लम आती है, जैसे इस टाइप की जो सी मेरी ज़मीन है, जैसे यहाँ पे देखिए ज़मीन पड़ी हुई है, तो ये ऊबड़ खाबड़ है, मतलब थोड़ी थोड़ी ऊपर नीचे ज़मीन है ये। तो इसमें क्योंकि क्या है, गाड़ी का वेट आता है, तो गाड़ी का जब वेट आता है सस्पेंशन चूँ चूँ करके टाइप से आवाज़ आ रही है सस्पेंशन, यानी कि सस्पेंशन काफ़ी ज़्यादा प्रेस हो रहा है, फर्स्ट प्रॉब्लम। रियर की, सेकंड की बात करूँ तो मेरे में रियर फेयरिंग, मतलब यानी कि साइड में जो फेयरिंग दी गई है, इस यहाँ पे एक्टिवा का क्रोम वर्क किया गया, जैसे कि ये वाला क्रोम वर्क है, या फिर मैं आपको दिखाऊँ ये वाला क्रोम वर्क है। तो क्रोम वर्क दरअसल मैं आपको एक नोटिस करवा रहा हूँ कि ये वाली जो फेयरिंग है, मुझे इससे काफ़ी ज़्यादा साउंड आ रही है साइड में, ठीक है ना, साइड से मुझे काफ़ी ज़्यादा इसमें से साउंड नोटिस हो रही है। थर्ड बताऊँ वो है थ्रॉटल लैग। थ्रॉटल लैग क्या हो रहा है कि जैसे मेरी गाड़ी चल रही है तो मैं धीमे से एक्सेलरेट करता हूँ मेरी गाड़ी, तो अजीब सी भुक 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 ऐसे होती है, फिर गाड़ी मेरी स्टार्ट, मतलब आगे की तरफ रेस लेती है। एक बार तो पीछे भिड़ते भिड़ते बच्चा मेरी गाड़ी आगे नहीं बढ़ती, ऐसे मैं रेस दे के रखा हूँ, भुक 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 पीछे भिड़ने से बची मेरी गाड़ी, फिर अचानक से रेस आई, फिर मैं, और फिर अचानक से रेस इतना तेज़ आता है इसमें कि वो मुझे प्रॉब्लम कर रहा है। तो ये हो गई अपनी थर्ड प्रॉब्लम। फोर्थ को बताऊँ तो मुझे सेंटर स्टैंड, सेंटर स्टैंड इस गाड़ी का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, सबसे बड़ा मतलब सबसे गंदा पॉइंट है सेंटर स्टैंड की प्रॉब्लम मुझे इस गाड़ी में, जब से मैंने इस गाड़ी को परचेस किया है। हो क्या रहा है, दरअसल पहले मैंने गाड़ी की अपनी सेंटर स्टैंड की प्रॉब्लम सॉल्व करवा ली है, फिर मुझे इसमें सेंटर स्टैंड की प्रॉब्लम आ रही है। दरअसल क्या हो रहा है कि इसका सेंटर स्टैंड जो है इसकी बॉडी से लड़ रहा है, यानी कि जो इसका ये वाला पार्ट रहता है, जो इसका ये निकला हुआ रहता है, ये वाला पार्ट जो है ये मतलब कि लड़ रहा है बॉडी से, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा साउंड आ रही है। फिफ्थ प्रॉब्लम की बात करूं वो है वाइब्रेशन। इस गाड़ी में मैंने आपको दिखाया था, अभी आप जो ये फोटो देख रहे हैं, क्योंकि बहुत लोगों को डाउट रहता है कि वाइब्रेशन की इशू को मैं कैसे सॉल्व करूं, जो भी आप फोटो देख रहे हैं मेरे सामने, ये उन्होंने क्या किया था कि इसको, मतलब ये वाले पार्ट को खोल के उन्होंने फिर वाइब्रेशन इशू को सॉल्व किया था। तो मेरे में क्या है कि इसमें अभी भी वाइब्रेशन मतलब थोड़े से हार्ड हो गए हैं, यानी कि वाइब्रेशन आना स्टार्ट हो गए इस गाड़ी में, जो कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि मैं इस गाड़ी के वाइब्रेशन को सॉल्व करवाना चाहता हूँ, तो वाइब्रेशन के इशू भी इसमें बन रहे हैं। सिक्स की बात करूं, तो वो है अंडर बॉडी साउंड, यानी कि मेरे को लग रहा है कि मेरी गाड़ी की जो डाउन साइड, मतलब अंडर बॉडी, अंडर बोन चेसिस है, वहाँ से मुझे काफ़ी ज़्यादा साउंड, पर अब पता नहीं किस चीज़ की साउंड आ रही है, बट मुझे अंडर बॉडी साउंड काफ़ी ज़्यादा इसमें आ रही है। और हो सकता है कि मेरी गाड़ी खुलेगी तो अंदर दो नट बोल्ट फंसे हुए, तो वो भी निकल जाएगा, क्योंकि क्या है ना, वो लोग नट बोल्ट लगा रहे थे, तो वो अंदर की तरफ जहाँ पे बैटरी कंपार्टमेंट दरअसल नहीं, ये वाला, ये जो प्लास्टिक वाला, देखिए ये अजीब सी साउंड आ रही है ना, ये नट बोल्ट मेरे ख्याल से गिरा हुआ जो साउंड कर रहा है, और वो आवाज़ आ रही, गाड़ी चलने में आवाज़ आती है। सेवन्थ की बात करूँ, जैम किक, यानी कि इस गाड़ी में मुझे क्या दिक्कत आ रही है कि जब मैं किक मारता हूँ तो मेरी किक जो है वापस रिवर्स मोशन पे नहीं आती, यानी कि वापस ऊपर की तरफ नहीं आती है, वो जैम हो जाती है, मतलब वहीं पे लग जाती है, यानी कि मैं किक मारूँ तो वापस ऊपर आ जाए, मुझे वापस पुश बैक करे तो पुश बैक नहीं करती, बहुत ज़्यादा टाइट और फंसी हुई किक, यानी कि मतलब एक बार में चलो कि गाड़ी स्टार्ट हो जाती है, कभी कभी वो भी नहीं होती है, तो क्या है इसकी किक जो है वो जैम है, यानी कि किक ऊपर तक नहीं आती है। एंड लास्ट पॉइंट है जो कि है स्मूथनेस, गाड़ी में स्मूथनेस ख़त्म हो गई है, यानी कि जिस प्रकार पहले चलती थी नई गाड़ी, भले वाइब्रेशंस थे, बाकी अदर प्रॉब्लम्स थी, लेकिन जो स्मूथनेस थी वो ख़त्म हो गई है इस गाड़ी में,
मुझे स्मूथनेस फील अपनी गाड़ी पे नहीं हो रही है जिस प्रकार पहले हुआ करती थी, जिस प्रकार नई गाड़ी में स्मूथनेस मिलती थी अपन लोग को, वो स्मूथनेस मुझे इस गाड़ी में फील नहीं हो रही। तो मैं स्मूथनेस की प्रॉब्लम भी वहाँ बताऊँगा कि मुझे स्मूथनेस की प्रॉब्लम हो रही है। 9th पॉइंट भी लिख के रखा हूँ, मैं गाड़ी को अपनी देख रहा हूँ कि मुझे प्रॉब्लम और कहाँ फेस हो रही हैं, 9th पॉइंट ही मैं लिख लूँगा। एंड अभी तो खैर मुझे बहुत, मैंने अपनी गाड़ी को पूरी तरह से एग्जामिन कर लिया है, काफ़ी मैंने चला भी लिया है अपनी गाड़ी को। 7 से 8 किलोमीटर आपको अपनी गाड़ी को चलाना है। जब भी आप अपनी गाड़ी को सर्विसिंग करवाने के लिए जा रहे हो तो उसके पहले 2-3 दिन पहले अपनी गाड़ी को प्रॉपर एग्जामिन कीजिए, आपकी गाड़ी में आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस हो रही है उसको नोट डाउन कीजिए, एंड उसके बाद अपनी गाड़ी को सर्विस पे लेके जाइए। तो आप उनको प्रॉपर डिफाइन कर पाएंगे प्रॉपर, और घर से सोच के जाइए कि मुझे क्या बोलना है। दरअसल क्या होता है कि जब आप उनको गाड़ी देते हैं सर्विस करने के लिए, मन बताते हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम्स आ रही, तो वो लोग प्रॉब्लम समझ नहीं पाते कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। तो 1-2 दिन पहले से कहते हैं ना स्क्रिप्ट तैयार कीजिए, तो स्क्रिप्ट तैयार करेंगे तो आपको प्रॉपर पता चलेगा कि आपको बोलना क्या है, कि आप मतलब क्या उनसे बोलना चाहते हैं कि मेरी गाड़ी में ये प्रॉब्लम आ रही है, वो प्रॉब्लम आ रही है, मेरा हैंडल लॉक हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो आप उनको प्रॉब्लम प्रॉपर तरीके से बता पाएंगे। आई होप सो आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, एंड जो जो प्रॉब्लम्स मुझे अपनी गाड़ी में अभी फेस हो रही हैं 1200-2 किलोमीटर चलने के बाद, वो मैंने सारी प्रॉब्लम्स आपके साथ डिस्कस करी हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल गाइस।